1957 में मनुष्य ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। तब से लेकर आज तक हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी उन्नत हो चुके हैं। तब से लेकर आज तक इंसान ने कई अंतरिक्ष यान भेजे। ऐसे ही एक सैटेलाइट ने ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड किया है। नासा ने इस आवाज को इंसानों के लिए तैयार किया है। इस आवाज को इंसान आसानी से सुन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नासा ने ऐसा क्या किया कि इंसान को सुनने लायक बनाया, तो हम बताते हैं। दरअसल इंसान 57 ऑक्टेव को नहीं सुन सकते। अब एक नई मशीन के जरिए इन तरंगों को नए नोट से जोड़े गए हैं, जिनसे एक बेहतर साउंड मिल रहा है। नासा ने अपने ट्विटर पर इसको शेयर किया है, इसे आप सुन सकते हैं। बता दें कि जिस ब्लैक होल की ये आवाज है वह पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। ये 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष की चौड़ाई में फैले पर्सियस आकाश गंगा समूह के केंद्र का हिस्सा है। वहीं नासा ने कहा कि अभी तक एक गलत धारणा थी कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आकाश गंगा समूह में काफी मात्रा में गैस हैं, जिसमें वह हजारों गैलेक्सी को अपने अंदर समा सकती है। ये ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं।